हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पेठे की सब्जी, वो भी पूरी और रायते के साथ। और ये देखिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले, मैंने यहाँ पर सब्जी अपनी बनाने के लिए, ये देखिए पेठे को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद में ये मैंने एक बड़े साइज का यहाँ पर प्याज लिया था, जिसको मैंने यहाँ पर लंबा कट किया है। हमें यहाँ पर प्याज को लंबा कट करना है। इसके बाद में ये हमारा लहसुन का पेस्ट है, ये 2 से 3 हरी मिर्च है, ये मैंने यहाँ पर कट की है। और ये मैंने यहाँ पर अपने सारे मसाले हैं वो लिए हैं, जो हमें आज हमारी सब्जी में बनाने के लिए यूज करने हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर, ये देखिए, तड़के के लिए हमें यहाँ पर मेथी है वो चाहिएगी, जीरा हमें यहाँ पर नहीं चाहिएगा। मेथी से हमारी जो पेठे की सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास आमी नहीं है, तो मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज करूंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई है ली है, इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑयल है वो हम ऐड करेंगे। जितना हम नॉर्मल तड़का लगाने के लिए ऑयल लेते हैं, हमें उतना ही यहाँ पर लेना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करें, आप कौन सी भी कढ़ाई यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस ऑयल को अब हमें यहाँ पर गर्म होने देना है। अब ये देखिए, हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर तड़के के लिए मेथी है वो ऐड करेंगे। जैसे हम जीरा ऐड करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर मेथी दाना है वो ऐड करना है। मेथी दाने से हमारी पेठे की सब्जी है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप स्टेप टू स्टेप है ये फॉलो कीजिए, आपकी पेठे की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब हम यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे, ये देखिए, और हमें इसको यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक इन प्याज को यहाँ पर पकाना है। हम इनको अच्छे से यहाँ पर पका लेंगे। और लहसुन है वो हमें इसके साथ यहाँ पर ऐड नहीं करना है, जब हमारे प्याज पकने स्टार्ट हो जाएंगे तब हम लहसुन को ऐड करेंगे, क्योंकि लहसुन है वो जल्दी पक जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखिए इस तरह से हम प्याज को भून लेंगे। अब ये देखिए, हमारे प्याज है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर के होना स्टार्ट हो गए। अब हम इसके अंदर हमारा जो लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। हमें सिर्फ इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए ही पकाना है, देखिए इस तरह से। और अगर आप इस तरह से अपनी पेठे की सब्जी बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमारा लहसुन है वो भी अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। इसके अंदर अब ये देखिए, हम यहाँ पर हरी मिर्च जो हमने बारीक कट कर रखी थी, इसके अंदर यहाँ पर अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और अब हम हमारे मसाले ऐड करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर लाल मिर्च, इसके बाद में यहाँ पर हल्दी पाउडर, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम इसके अंदर ऐड करें। अब हमें इन मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना। और ये ध्यान रखिए कि आमचूर है वो हमें स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है, जब हमारी सब्जी पकने वाली हो जाएगी तब हम इसके अंदर आमचूर पाउडर है ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर से क्या होगा कि हमारा जो पेठा है उसका टेस्ट है वो खट्टा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर चीनी भी ऐड करेंगे, चीनी इसमें मीठे का काम करेगी, तो हमारी पेठे की सब्जी बिल्कुल खट्टी मीठी और चटपटी यहाँ पर बनेगी। अब हमारे यहाँ पर मसाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर, ये देखिए, जो हमने पेठा कट किया था वो इसके अंदर यहाँ पर मिला देंगे। अच्छे से हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर देना है, देखिए इस तरह से। ताकि हमारे पेठे के अंदर मसाले है वो अच्छे से ऐड हो जाए, इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर, ये देखिए, आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा इसमें हम पानी है वो ऐड कर देंगे।
यहाँ पर हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे और फिर हम हमारे यहाँ पर सब्जी को ढककर रख देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, जब तक हमारे पेठे की सब्जी यहाँ पर रेडी होती है तब तक हम हमारी पूरी की तैयारी है वो कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 2 कटोरी यहाँ पर आटा लिया है। आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग लीजिए। इसके अंदर हम टेस्ट के लिए यहाँ पर नमक है वो ऐड करेंगे। इसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन है वो अजवाइन ऐड करेंगे। ये देखिए, अजवाइन से पूरी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर मोयन के लिए ये देखिए हम यहाँ पर ऑयल है वो ऐड करेंगे। इन सबको एक बार हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें यहाँ पर जो ऑयल है ये देखिए, इसको यहाँ पर हमारे आटे के अंदर बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, तभी हमारी पूरी है वो यहाँ पर सॉफ्ट है वो बनेगी, फुली फुली हमारी बनेगी। इस तरह से हम ऑयल को मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर ऑयल है वो अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर ये देखिए 1/2 ग्लास है यहाँ पर दूध इसके अंदर ऐड करेंगे। दूध से हमारी पूरी है वो एकदम कुरकुरी बनेगी। और ये देखिए, ज्यादा टाइम तक वो कुरकुरी रहेगी, जल्दी से वो सॉफ्ट नहीं होगी। तो हमें ये पूरी के आटे को अंदर हमें यहाँ पर दूध है वो ऐड करना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी की हेल्प से जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं, हमें ज्यादा उसको सॉफ्ट नहीं करना है। हम अपने आटे को गूंद लेंगे, हमें उसको थोड़ा टाइट ही रखना है, तभी हमारी पूरी है वो क्रिस्पी बनेगी। अब ये देखिए, हमारा यहाँ पर हमने इसका आटा है वो गूंद लिया है। इसको भी हम यहाँ पर एक साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हम ढककर एक साइड में रख देंगे और जब तक हमारा आटा और सब्जी रेडी होती है तब तक हम हमारा रायता है वो रेडी कर लेते हैं। अब देखिए, हम हमारा रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर दही लिया है और ये मैंने घर का दही यहाँ पर लिया है। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये देखिए, मैं यहाँ पर बूंदी का रायता है बना रही हूँ, तो इसके अंदर ये थोड़ी सी यहाँ पर मसाला बूंदी है वो ऐड करें। मसाला बूंदी ऐड करने के बाद में ये देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर चाट मसाला, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्च, और थोड़ा यहाँ पर भुना हुआ जीरा, और भी इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी हम काली मिर्च यहाँ पर यूज करेंगे। इन सबको अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब हमारा रायता यहाँ पर रेडी है। ये देखिए, हमने 2 मिनट में हमारा रायता है वो रेडी कर लिया। ये देखिए, अब हमारी यहाँ पर पेठे की सब्जी का पानी भी यहाँ पर बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका है ये देखिए, और हमारी सब्जी है वो भी अच्छे से यहाँ पर बन चुकी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको यहाँ पर तोड़कर देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसको अब हम और भी टेस्टी बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगर किसी को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कीजिए और इसको हम एक बार यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। शुगर से इसका टेस्ट है वो और भी टेस्टी आएगा। और अब ये देखिए, लास्ट में हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे। और किसी को ज्यादा खट्टा मीठा करना है तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड कीजिए और इसको अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अमचूर पाउडर से हमारे पेठे की सब्जी का कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये देखिए, देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी, तो
इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये पेठे की सब्जी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और पूरी और रायते के साथ सर्व कीजिए। इस तरह से हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर इसको एक मिनट के लिए और पकाना है, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी यहाँ पर पेठे की सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और हम हमारी पूरी है वो बना लेंगे और सर्व करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर पेठे की सब्जी, रायता और हमारी पूरी बिल्कुल रेडी है यहाँ पर सर्व करने के लिए। ये देखिए हमारी यहाँ पर पूरी है वो कितनी कुरकुरी यहाँ पर बनी है। मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है पेठे की सब्जी बनाने का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thank you for watching my channel and my video.